अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अदद कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जो रिसेंटली मार्केट में अच्छा खासा बूस्ट लेकर एक अपना नाम बनाकर मार्केट में आए थे, लेकिन इन दिनों उनके प्राइस में हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों गाल कॉइन के बारे में, जिसकी फार्मिंग अभी तक ऑन है बाइनांस पर, और सेकेंडली बात करेंगे ICP कॉइन के बारे में, जिसे लेकर के कुछ नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनमें एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि जो मार्केट है वो ऑलरेडी यहाँ पर हमें अच्छी खासी क्रैश देखने को मिल रही है, वो कॉइन ICP जो 20 से 25 डॉलर की मालियत रखता है, आज अच्छे खासे उसके प्राइस गिर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गाल की, तो उसके भी प्राइस में मुसलसल मार्केट के क्रैश करने के बाद हमें बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो दोस्तों, कहाँ इन दोनों की एंट्री बनती है, क्या मज़ीद होंगे इनके प्राइस एनालिसिस, हर बात पे हम डिस्कशन करेंगे। आपने क्या करना है, अगर आप हैं हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्रेश, तो आपने वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे हमारी कोई भी आने वाली वीडियो और उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो हमारे चैनल के बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और हमसे अपना रابطہ मजबूत रखने के लिए हमारे तमाम ग्रुप्स ज्वाइन करें, ताकि आपको हर अपडेट बिल्कुल फ्री मिलती रहे। उन तमाम ग्रुप्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं जल्दी से इन कॉइंस के रिव्यू की तरफ। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे गाल कॉइन के बारे में, जिसकी फार्मिंग इस वक्त भी बाइनांस पे जारी है, और फार्मिंग करने के लिए दोस्तों आपके पास BUSD, BNB या K कॉइन का होना ज़रूरी है, ताकि आप आसानी से इस अमल को दोहरा सकें। तो दोस्तों, रही बात प्राइस की, वहां पर आपको क्या प्राइस प्रोवाइड होते हैं, ऑब्वियसली जो मार्केट में रेट चल रहा होगा उसके नियरेस्ट आपको प्राइस के तौर पर कॉइन मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप मार्केट में गाल कॉइन बाय करना चाहते हैं, तो पहले हम इसके प्राइस एनालिसिस आपसे शेयर करना चाहेंगे। अगर तो दोस्तों आप फर्स्ट टाइम इस कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक मर्तबा इसका ऑल टाइम हाई बता दूं। जिस दिन इसने मार्केट में दोस्तों अपना आप ओपन किया, मतलब इसके प्राइस ओपन हुए और लिस्ट हुआ ये बाइनांस पर, तो 47 तक का इसने हाई लगाया। कुछ दोस्तों का ये मानना है कि ये 67 डॉलर तक भी गया, लिहाजा एनालिसिस वाइज हमेशा यहाँ पर एक घपला देखने को मिलता है कि जब हम कॉइन मार्केट कैप पे आके इसके एनालिसिस करते हैं, तो वो प्राइस उससे कदरे डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बकायदा इसे इंडिकेट कर दूंगा इस ऑरेंज बॉल के साथ, कि इसका हाई देखने को मिल रहा है 18, उसके बाद ये कॉन्टीन्यूसली डाउनफॉल का शिकार है। आप देख सकते हैं कि गिरते गिरते मार्केट ने इसको इतना क्रैश कर दिया कि एक टाइम आया था कि ये गाल कॉइन 2.50 पे जा चुका था, यानी कि 2.50 सेंट पे। उसके अकॉर्डिंग आज इसके अंदर हमें कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिरी बात है मार्केट ने भी 26,000 जैसे लो के बाद भी रिकवरी की है। कोई ऐसी रिकवरी तो दोस्तों खैर हमें देखने को नहीं मिल रही। अब बात करते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि नहीं। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि जब इसकी फार्मिंग कम्प्लीट हो जाएगी, जिसको अभी भी 10 से 11 दिन बाकी हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, मैक्सिमम 10 दिन ही होंगे, तो उसके बाद इसके प्राइस ओपन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बूस्ट करने के भी, क्योंकि जब तक फार्मिंग का सिलसिला जारी रहता है, जो कंपनी इनको लॉन्च करती है, जो ओनर होता है किसी भी कॉइन का, वो कभी भी नहीं चाहता कि फार्मिंग के दरमियान आपके इस कॉइन में प्राइस का इतना ज़्यादा फट सके, क्योंकि उन्हें फिर वही रकम बैक एंड से भी पे करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये 14 डॉलर से, हमारे कई व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने 14 डॉलर की इसकी बाइंग कर रखी है, किसी की 18 डॉलर की है, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जिन्होंने पीक पे न्यू लिस्टिंग के डे में एंट्री ली और वो स्ट्रक हैं। लिहाजा ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनकी एंट्री 18 से नीचे है, मतलब 18 डॉलर के करीब और 18 से नीचे है। उनकी रिकवरी दोस्तों मैं मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर, या 2 मंथ से भी बहुत जल्दी होती देख रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मार्केट का कुछ ज़्यादा बूस्ट करना ज़रूरी नहीं है। मार्केट में जब गाल कॉइन ने अपना कदम रखा, तो मार्केट उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 35 और 34 के दरमियान थी, और आज जो मार्केट का 35 और 34 का जो सफ़र है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट बूस्ट की मार है, और आपका ये कॉइन रिकवर कर सकता है। अच्छा, बात करते हैं कि इसमें एंट्री कब बनती है। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहली बात है कि मार्केट में अभी जो रिसेंटली क्रैश हुआ, वो कोई नॉर्मल क्रैश नहीं था, तो इस वक्त सबका ये मानना है कि हम इसे लोअर पॉइंट पे इसके बाय करें। सबसे पहली बात दोस्तों कि ये अपने लोअर पॉइंट से गुजर चुका है, 2.50 पे जिन भी दोस्तों ने गाल में अर्निंग की थी, वो आज 6 डॉलर पर ही मार्केट से निकल चुके हैं करीब। उन्होंने जब मार्केट ज़मीन के साथ जाके लग गई थी 26,000 पे जब गई, तो उस वक्त
किसी भी पुराने खिलाड़ी ने इसको अपने हाथों से जाने नहीं दिया। अब बात करते हैं कि आज की तारीख में फिलहाल ये 6.13 सेंट पे हमें देखने को मिल रहा है और लोएस्ट इसका है 5.80। मैं समझता हूँ दोस्तों कि अगर आप गाल को 3 स्टेप में बाय करते हैं तो ये आपको एक वाकई ही अच्छी प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसका जो हमारा तरीकाकार होगा वो होगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए गाल अभी आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं देने वाला। अगर आपको कोई गलत फहमी में मुब्तला करता है कि जी आपको शॉर्ट टर्म में अच्छी प्राइस प्रॉफिट दे सकता है, तो इतनी पोटेंशियल फिलहाल इसके अंदर नहीं है कि ये डेली फ्लैक्चुएट हो, ये बहुत स्लोली फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो दोस्तों आपकी पहली एंट्री इस कॉइन में, अगर मसलन आप, आपको एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पे, अगर आप $100 की बाइंग करना चाहते हैं गाल कॉइन में, तो आपकी फर्स्ट एंट्री सिर्फ और सिर्फ $30 की हो, सेकंड भी 30 और लास्ट एंट्री अपनी ज़रा बड़ी रखिएगा, वो होगी $40 की। तो इससे आप इसमें एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, या मैक्सिमम चले थोड़ी मार्केट ऊपर नीचे भी हो जाती है तो आप इसमें 2 मंथ के अंदर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब $100 के साथ आप $250 या $300 आसानी से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम लो से अभी थोड़ा सा ऊपर आया है। अच्छा दोस्तों, आपकी पहली एंट्री होनी चाहिए 5.80 पे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरी एंट्री आपकी होनी चाहिए $5 पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन तीसरी एंट्री आपकी ज़रा लेट होनी चाहिए। मान लें कि ये $3 तक फिर चला जाता है, मार्केट फिर से क्रैश कर जाती है, तो वो जो आपकी तीसरी एंट्री होगी वो आपका सारा लॉस पूरा करवा देगी और बाइंग आपकी टोटल कितने की होगी, सिर्फ $100 की। और यही मैकेनिज़्म आपने $1000 की भी लेट सपोज आपने बाइंग करनी है तो आपका मैकेनिज्म यही होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा एज अ डिस्क्लेमर कि जो अभी मार्केट की सूरत हाल है, आप मार्केट में पैसा ज़रा सोच समझ के लगाएं। पूरा पैसा एक ही कॉइन में लगाना इन माहौल में जहालत है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस वक्त किसी भी कॉइन को लेकर मार्केट में कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रही, ना ही इनके ट्विटर अकाउंट में कोई अपडेट आ रही है। तो अब बढ़ते हैं जल्दी से ICP कॉइन की तरफ। तो व्यूअर, सेकेंड कॉइन जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है ICP, मतलब इंटरनेट कंप्यूटर। मैं समझता हूँ दोस्तों कि इस कॉइन में बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद थी, लेकिन इसके कुछ प्रोजेक्ट नाकाम होने की वजह से ये कॉइन वहीं का वहीं रह गया। इसने मार्केट में आते ही अपना एक नाम बनाया, कहां तक का इसने हाई लगाया वो मैं आपको बताने वाला हूं और आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और इस वीडियो को दोस्तों आज हमने इसके साथ क्यों अटैच किया है गाल के साथ, उसकी रीज़न ये है कि हमें 1000s of emails मौसूल हुई थी कि आप हमें ICP के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में दोस्तों आगाही दें। तो जिस तरह मार्केट यहाँ पर व्यूवर्स क्रैश की है, जाहिर बात है ये भी क्रैश हुआ है। ऑल टाइम हाई इसका आप देख सकते हैं स्क्रीन पर $164। दोस्तों $164 का कॉइन मार्केट में पिछले दिनों $6 पे चला गया, बल्कि उससे भी कम चला गया। क्या आपको ये बात समझ आती है कि इतना बड़ा लो मार्केट में लग गया? तो इसमें ऑलरेडी, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ट्विटर पे भी अपने अकाउंट पे बहुत अलर्ट रहते हैं, लेकिन देर किस चीज़ की है? देर यहाँ पर इस चीज़ की है दोस्तों, ICP का ना तो कोई इवेंट आ रहा है, ना ये इवेंट करवाने जा रहे हैं, ना ही इनकी कोई यहाँ पे प्राइस पूल चल रहा है, ना कोई ये स्टेकिंग वगैरह की अभी ऑप्शन दे रहे हैं। वक्ती तौर पे कुछ इन्होंने बंद कर रखी हैं, कुछ एक्सचेंज पे आप कर भी सकते हैं, लिहाजा इसी वजह से इसका चार्म मार्केट में कम हो चुका है। अच्छी खासी ऑडियंस ICP जैसे प्रोडक्ट में फंस चुकी है और न्यू कमर्स जो हैं, मतलब न्यू जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ICP का जब चार्म देखते हैं तो वो ऑब्वियसली परेशान हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा कॉइन है और कभी भी पंप कर सकता है, ये खबरें सुनने को भी मिलती हैं। और रैंक इसका 37 है दोस्तों। रिसेंटली जैसे लूना क्रैश किया और उसका रैंक सीधा 350 पे जाके गिरा एक टाइम पे, बाद में रिकवर कर गया था, 229 तक आ गया। तो ICP का जो रैंक है कोई मजाक नहीं है। ये याद रखिएगा कि किसी भी कॉइन का जो रैंक होता है वो उसकी कहीं ना कहीं उसकी पहचान और उसकी शख्सियत का हिस्सा होता है। तो मैं समझता हूँ ICP अपने रैंक की वजह से 37 पे पिछले 7 माह से खड़ा है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 200 पोटेंशियल है, तो ये यहाँ पे खड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं न्यू बिगनर्स के लिए, जिन्होंने अभी ICP में इन्वेस्ट करने का इरादा किया है। तो दोस्तों जब मार्केट क्रैश की आज से तकरीबन 16 दिन पहले, जब क्रैश होनी शुरू हो गई थी, अकॉर्डिंग टू द, मतलब अगर मैं पाकिस्तान में जब ईद आई तो उन दिनों की मैं बात करता हूँ, करीब 3 मई की हम बात करते हैं और आज है 17 मई, इन दोनों के दरमियान मार्केट इसकी जो थी वो $22 से $24 के दरमियान खड़ी थी। आज ये आ चुका है 8.28 पे और इसमें आपकी दोस्तों सेम एग्जैक्टली उसी तरह ही एंट्री बनती है। फर्स्ट एंट्री $30,
सेकेंड 30 और थर्ड जो होगी वो बड़ी होनी चाहिए, वो है $40। इसी तरह ही आप इसे नेक्स्ट में भी अप्लाई कर लीजिएगा। और जो रेट होगा एंट्री का, फर्स्ट एंट्री आपकी ICP में होनी चाहिए 8.10 सेंट की, 8-10 की, ठीक है। सेकेंड एंट्री आपकी होनी चाहिए 7.50 की, और थर्ड एंट्री आपकी होनी चाहिए 6.45 की। ये तीनों चीज़ें आप अपने पास लिख के रख लें। इंशाल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा फ़ायदा कब हो सकता है कि अगर आप हमारे वाकई ही टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ कोशिश करें आप लिमिट से काम लें। मोबाइल हाथ में पकड़ के अगर आप बैठे रहेंगे तो कभी भी आप हमारा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। ये वो चीज़ है जो मैं प्रैक्टिकली खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ। बाज़ अवक़ात हमें ऐसे लगता है जी कि जो टारगेट दिया गया है हम वहाँ पर पहुँचे ही नहीं, लेकिन मार्केट वहाँ से होकर आ भी गई होती है और चीज़ सेल भी हो जाती है और परचेज भी। तो कोशिश करें दोस्तों, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इसे रियल में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब अर्न करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिप्टो में ट्रेड एग्जैक्टली वैसे लें जैसे हम आपको बताते हैं, तो आप हमारी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अलमक्का टेक ऑनलाइन क्रिप्टो अकेडमी, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।